All right, so hey guys, what is up everybody? It's your Manoj Dhalia back in the game with a new video, baby. Okay, all right guys, अभी बज रहे हैं सुबह के 12:26 एंड गाइज बाय द वे मैं अभी जाने वाला हूँ मूवी देखने, जैसे कि आपको टाइटल और थंबनेल में पता चल गया होगा कौन सी मूवी देखने जा रहा हूँ। सो गाइज मैं अभी जा रहा हूँ मूवी देखने KGF 2, जो कि आई नो कि मैं बहुत लेट हो गया हूँ मूवी देखने में, बट मुझे टाइम ही अभी मिला है क्योंकि मैं रैप्स लिख रहा था मेरे। सो बाय द वे अभी मैं एंड मेरा एक दोस्त है मीत, जो कि दर्शन का छोटा भाई है, अभी सिर्फ हम दोनों ही जा रहे हैं मूवी देखने और मैंने कल रात को ही टिकट बुक करवा ली थी। सो चलते हैं गाइस एंड देखते हैं मूवी। एंड बहुत ज़्यादा हार्ड मूवी, आई मीन बहुत ज़्यादा बॉम मूवी है, मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे। सो चलते हैं गाइस मूवी देखते हैं एंड देखते हैं कैसी मूवी है कैसी नहीं है, और आपको भी उधर दिखाएंगे। सो लेट्स गो गाइस, चलते हैं। एंड गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मेरा ये इंट्रो कैसा था, अगर आपको ये मेरा इंट्रो अच्छा लगा तो मैं वही मेरा इंट्रो रखूँगा। ऑल राइट, सो हे गाइस, व्हाट इज अप एवरीबॉडी, इट्स योर मनोज ढालिया बैक इन द गेम विद न्यू वीडियो, बाई वे। सो कैसा लग रहा है ये मेरा न्यू इंट्रो, तो मुझे जाके कमेंट में बताना, और वैसे भी दानिश भाई का ये। सो चलते हैं गाइस जल्दी से। और गाइस हमारा शो है 1:30 का और अभी तो 12:27 हो चुके हैं। सो जल्दी से हमारी पोम बिल्लो निकालते हैं, चलते हैं। सो लेट्स गो एंड मेरा मास्क के। ऑलराइट गाइस अभी नीचे आ चुके हैं एंड हमारी पोम बिल्लो निकालते हैं। सो चलते हैं गाइस जल्दी से, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए मूवी, चलते हैं लेट्स गो। ओके गाइस फाइनली अभी हम निकल चुके हैं एंड हमारे साथ ये ब्रो जा रहे हैं मीत। सो गाइस इसका भी नाम मीत है एंड मेरा भी नाम मीत है। सो चलते हैं गाइस जल्दी से और देखते हैं मूवी एंड देखते हैं कैसी है कैसी नहीं है। सो लेट्स गो, निकल चुके हैं फाइनली। You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. ओके फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा उधर देवी लिखा हुआ है। सो पहुंच गए फाइनली एंड हमारी गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं। ये रहा सिनेमा, जैसे कि देख सकते हो। ओके ऑलराइट गाइस फाइनली अभी गाड़ी हमने पार्किंग में लगा दी है एंड चलते ऊपर। एंड हमारे शो का टाइम है 1:30, तो अभी 1:30 हुए नहीं है। सो जाएंगे एंड चलते ऊपर, फिर आपसे मिलता हूँ। सो लेट्स गो। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो वो लगी हुई है हमारी KGF। सो गाइस अभी हम बैठे हैं क्योंकि अभी हमारी वेटिंग में, इसलिए अभी थोड़ी देर में ऊपर जाएंगे। 1:30 to 1:50 तक ऊपर चले जाएंगे, और अभी बज रहे हैं गाइस 12:51। सो गाइस जैसे कि देख सकते हो ये है सिनेमा एंड RR भी लगी हुई है एंड KGF 2, हम तो वो देखने आए एंड ये भी देखने वाले थे बट हमारा प्लान नहीं बना। सो अभी हमारा समय होता है चाहते अंदर। ओके फाइनली गाइस आ चुके हम जैसे कि देख सकते हो, एंड यहाँ पर है हमारी गाड़ी एंड ये रही KGF की। अभी हम बैठे हैं वेटिंग में, अभी थोड़ी देर में हमारी बारी आने वाली है, थोड़ी देर में बस 5-1 मिनट, फिर चलते अंदर। ओके ऑलराइट गाइस फाइनली भी अंदर आ चुके हैं एंड हमारी सीट लेते हैं देन बैठते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइस अभी फाइनली हम थिएटर के अंदर आ चुके हैं एंड अभी बज रहे गाइस 1:31। सो मूवी स्टार्ट होती है, फिर मिलते हैं आपसे। I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you, I just wanna be fine. I'll be waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight, I just wanna feel mine. You don't wanna know me.
just wanna make sure you're right. I'm gonna be the one for another one. Maybe then you'll know that I was never one. So guys, अभी इंटरवल पड़ा है एंड अभी हम जा रहे हैं बाहर. So guys, अभी हम बाहर आए थे, अभी इंटरवल पड़ा है इसलिए. So देखते हैं क्या लेते हैं क्या नहीं. एंड गाइज, ये मूवी भी देखने आनी है, हीरोपंती, जो कि बहुत फेवरेट है. एंड ये हीरोइन भी मेरी फेवरेट है, तारा सुतारिया. एंड ये मूवी भी देखने आएंगे अगर हो सकेगा तो. सो भाई गाइज, मूवी बहुत ज़्यादा बॉम्ब है, बहुत हार्ड मूवी है, आप भी ज़रूर देखना, जाना जरूर देखना. एंड बहुत हार्ड मूवी लिटरली गाइज, रोंगटे खड़े हो रहे हर एक के सीन में ना, रोंगटे खड़े हो रहे. नीत कैसी है मूवी? एंड गाइज, ये फर्स्ट टाइम आया थिएटर में ऐसे, ये लिटरली यानी फर्स्ट टाइम आया, इसको कुछ पता नहीं है थिएटर का. एंड लिटरली गाइज, मूवी बहुत हार्ड है, आप भी एक बार देखने आना जरूर. एंड अभी तो इंटरवल पड़ा है, अभी जाते हैं हम अंदर, फिर दिखाते और सीन. भागीरथ प्रयास. ऑलराइट गाइज, हम फाइनली बाहर आ चुके हैं. एंड गाइज, अभी बज रहे हैं दोपहर, शाम के 4:36. और एंड गाइज, लिटरली इतनी हार्ड मूवी थी. एंड लास्ट में ना ये भी बताया था कि इसका चैप्टर 3 आने वाला है. मैं सोचने लगा हूँ गाइज यार, चैप्टर 3 देखने जरूर आना. एंड लिटरली गाइज, मैं आपको इसके बारे में घर जाके बताता हूँ. एंड गाइज, लिटरली बहुत हार्ड मूवी थी, हर एक सीन में ना रोंगटे खड़े होते हैं, हर एक सीन में. अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी आना देखने. और गाइज, मैं आपको बता नहीं सकता यार, आपने सीन देखे होंगे, आई नो कि आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, पर लिटरली गाइज बहुत ही हार्ड मूवी है. मीत कैसी लगी तेरे को? सो गाइज, बहुत मस्त मूवी. जाते हैं अब घर पे एंड आपको बाकी का बताते हुए जाके. सो लेट्स गो. सो चलते हैं गाइज, अब गाड़ी हमारी पार्किंग में से निकालते हैं एंड चलते हैं, और चलते हैं पहले घर पे. सो चलते हैं पार्किंग में, निकालते हैं हमारी गाड़ी, हो गई उसके गाड़ी का. सो गाइज, हो रही हमारी गाड़ी उधर पड़ी है लास्ट में, जैसे कि हो रही. सो लेते हैं हमारी गाड़ी एंड निकलते हैं. एंड गाइज, लिटरली यार इतनी भयंकर मूवी थी ना, मैं आपको बता नहीं सकता. एंड अब साउथ वाले छा गए पूरे इंडिया में, बाय द वे वैसे भी छाए लें, बट गाइज लिटरली बहुत हार्ड मूवी बनाई थी. यानी कि मेरे इतने रोंगटे खड़े हो रहे हैं, हर एक सीन में रोंगटे खड़े हो रहे हैं देख के. ओके फाइनली गाइज, निकल चुके हैं हम घर के लिए. एंड बहुत धूप हो रही है, चलते पहले घर पे, देन उधर आपसे बात करते घर पे चल के. See you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel right. I don't wanna just forgive. Okay, alright, guys. Finally, अभी हम घर पे आ चुके हैं. And guys, अभी बज रहे हैं शाम के 5:51. And literally, guys, मैं आपको क्या बताऊँ? इतनी hard movie थी. Literally, guys, मैं आपको क्या बताऊँ? इतनी bomb movie थी. जितना मैं बताऊँ उतना कम है. एंड उसका चैप्टर 3 भी आने वाला. उसका हर एक सीन में ना लिटरली गाइज, उसके हर एक सीन में मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे. एंड उसमें मुझे बहुत से सीन अच्छे लगे, मैंने बहुत से सीन दिमाग में भी लेके रखे थे कि मूवी ख़त्म होने के बाद मैं आपको बताऊँगा, बट मैं सारा भूल गया. एंड मुझे सबसे ज़्यादा सीन वो अच्छा लगा जब मूवी की हीरोइन बोल रही थी कि वो बैठी थी एंड पंखा चल रहा था, देन उधर पंखा बंद हो गया, फिर वो बोलने लगी कि ये मुझे बोलते हैं रानी, क्या रानी बना के रखूँगा. तो पंखा तो बंद हो गया था उसका, तो फिर उसने ना हीरो ने एकदम से ना हेलीकॉप्टर मंगवा के इतना बड़ा पंखा चलवाया. गाइस लिटरली यानी कि
मैं बता रहा हूँ ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा बट मूवी बहुत ज़्यादा बॉम्ब थी। आप ज़रूर देख के आना KGF चैप्टर 2। आई मीन व्हाट अ मूवी यार, मैं बता नहीं सकता। एंड गाइस, बॉलीवुड वालों को तो टक्कर मार दी टॉलीवुड वालों ने, और संजय दत्त का भी बहुत ज़्यादा भयंकर वाला रोल था। आई मीन संजय दत्त भी बहुत ज़्यादा हार्ड वो कर रहे थे एक्टिंग, एक्टर तो एक्टिंग करेंगे ही ना। एंड बहुत ज़्यादा मस्त मस्त लुक लग रहा था संजय दत्त सर का, बहुत ही मस्त लुक लग रहा था। आपको भी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना। एंड गाइस, अब देखते हैं इसका चैप्टर 3 कब आता है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ चैप्टर 3 के लिए, और चैप्टर 2 भी मैं सडनली देखने चला गया था। देखते अब कब आता है चैप्टर 3। आ जाएगा आई थिंक जल्दी, क्योंकि चैप्टर 2 के लिए 3 साल तक वेट करना पड़ा था KGF का। एंड सबसे बॉम्ब मूवी बनी है RR से। RR भी देखी नहीं मैंने, RR भी देखने जानी थी, आई मीन RRR, बट वो भी नहीं देखने गया। एंड किस्मत में थी अपने KGF देखना, तो वो देख क्या है। एंड आई लव मूवी, कसम से मैं बता नहीं सकता। सो गाइज, जाओ जल्दी से, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जाके बताओ। चलो गाइज, आज का व्लॉग यहीं एंड करता है। होप कि ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो बाय बाय गाइज, सी यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सो वही।